सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो मैं हूं विजय, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे गए सब लोग? मीटो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब इतने बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी आज है डेट 10th of October और मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:15 या फिर 7:30। और गाइस देखो, अभी मेरे व्लॉग ना अभी रात में ही आएंगे 9:30-9:30 बजे तक, क्योंकि मेरा पूरा दिन ना कॉलेज में ही चला जाता है और कभी कभी मैं शूट ले पाता हूँ, क्योंकि कॉलेज में मैं ज़्यादा शूट नहीं लेता हूँ। मैं अब से ट्राई करूंगा कि कॉलेज में मैं ज़्यादा शूट ले सकूं। मोस्टली मैं अकेले ही बैठता हूं, क्योंकि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है और वो भी कम टाइम में। सो मैं कम हंसूंगा तो मेरी बॉडी जल्दी अच्छी बनेगी। इस वजह से मैं अपने सभी दोस्तों से मोस्टली दूर रहने लगा हूं, और दोस्तों के साथ रहूंगा तो मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा रहेगा तो बहुत मस्ती होगी और मजाक होगा। वैसे भी आज बहुत मस्ती की है मैंने। और मित्रज ना है ना, उसको मेरे क्लास में ही बुला लेता हूँ। वो बीबीए फैकल्टी का है और मेरी फैकल्टी है साइंस की, मैं बीएससी कर रहा हूँ। सो मैं उसको बुला ही लेता हूँ, चल आ जा। और वो भी आ जाता है ब्रेक में मेरे पास और मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। और मुझे लगा कि यार हद से ज़्यादा ही आज मस्ती हो गई, क्योंकि इतनी मस्ती मुझे नहीं करनी है। मुझे थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा चिल रहना है, वो मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ नहीं। और मैं बहुत ही मस्तीखोर बंदा हूँ, मस्ती मजाक मेरे जीवन में बस यही है, और वो मैं टोटली डिफरेंट बनने जा रहा हूँ। उसको मेरे लिए थोड़ा हार्ड है, बट बनूंगा सही में। अब से लेकर नवरात्रि को 5 दिन बाकी है और 5 दिन में मुझे अपना वेट कंट्रोल में लाना है, जो अभी तक नहीं आया है। कॉलेज में मैं पूरा दिन भूखा रह जाता हूँ, बट घर पे आके पूरे दिन की जो एनर्जी जो मेरी वेस्ट हुई, वो बाकी का जो एनर्जी का सोर्स है वो कंज्यूम मैं बहुत ही ज़्यादा कर लेता हूँ। और मेरे घर पे भी यार कुछ मेरा मानते नहीं है, कुछ मुझे अच्छा ऐसा बनाकर नहीं देते हैं कि मेरा वेट भी ना बढ़े और मेरा थोड़ा डाइट में थोड़ा अच्छा हो। अभी खिचड़ी बना के रखी थी, अभी मैं क्या करूँ, फिर भी मुझे मैंने इतनी ही खाई। उसके साथ मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया, बट इतनी खिचड़ी खाई ना, बट वो खिचड़ी दिमाग में है ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वजन बढ़ गया। मैंने एक वाट की जितनी ही, एक कटोरी जितनी ही मैंने खिचड़ी खाई और नहीं अच्छा लगा यार, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। और गाइस, बुरा फील होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हो और अगर आपका एक गोल है वो आपको कम समय में अचीव करना है, तो ऐसा सीन होगा ही होगा। सो गाइस, अभी आप सबसे पहले शूट देखो लाली और उसके 4 पपीज का, कि वो हमारे घर पे कैसे रह रहे हैं अभी। और दत्त का भी देखो, दत्त के साथ बहुत ही बढ़िया मस्ती की। मम्मी जब भी बोलती है कि मेरा बच्चा कौन, तो दत्त पहले भाव कर देता है, मतलब वो बोलता है कि वो खुद है। आज ना मैंने बड़ी टक्कर दी, आपको बहुत ही मजा आएगा। वैसे मस्ती की हमने, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो आप सबसे पहले वो शूट देख लो, बाद में हम लोग मिलते हैं। सो गाइस देखो, अभी लाली यहाँ पर बैठी है बेचारी और उसके सभी बच्चे उसके पास है। यहाँ पर आप जो 3 व्हाइट देख रहे हो, सो वो है तीनों की तीनों फीमेल, और वो जो ब्लैक है जो लाली के पास घूम रहा है वो है अकेला मेल और ये तीनों फीमेल। सो ये बच्चे यहाँ पर है, और ये जो बेबी है ना बीच वाला जो पपी है, ये वाला वो थोड़ा वीक है। हाँ, ले 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 अंदर। हाँ, देखो 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 कितनी क्यूट लग रही है। ये ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर जाती है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को हर्ट हो रहा है, बट ये उनकी यही टेक्निक है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे हाथ नहीं है कि वो लोग अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाए। फिर भी वो ऐसा ध्यान रखते हैं कि उनके पपीज़ को कुछ ज़्यादा दांत लगे नहीं। सो इन लोगों के लिए ना हमेशा यहाँ पर फैन ऑन ही होता है। ये देखो अपने आप मूव कर रहे हैं, वो तो मस्त खा पी कर एकदम मस्त लेटी हुई है बेबी। ये वाली देखो, लाली लाली, ओ मारो लालो, ओ मारो लालो। मम्मी ना छोकरो कौन छे? आ चास कोने पीवानी? उई आ को सीट 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 सीट, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, सीट ले भाई, चास पीवानी। आ आ चास कोनी छे? दत्नी छे, दत्नी छास छे, कोनी छे छास? चलो सीट सीट, वेरी गुड बॉय, सीट, वेरी गुड, स्टे। मम्मी नो छोकरो तू छे? मम्मी छोकरो कौन छे? मम्मी छोकरो
हम लोग कब से इसको परेशान कर रहे हैं। मम्मी जब भी पूछती थी मैं ऐसा ही करता था जैसा अभी मैं कर रहा था वीडियो में, हम लोग कब से ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने व्लॉग रखा, तो वो ना इफेक्ट मुझे सुबह तक थी। रात को जल्दी सो गया था, 11:30-12 या फिर 12:30 मैक्सिमम मैं सो गया था। फिर भी मैं सुबह 6 बजे मुझे मित्रा जी उठाने आया, मैं बेडरूम से उठकर नीचे हॉल में सो गया। बाद में भी मित्रा जाया मुझे उठा, मैं अपने घर के दरवाजे बंद रखता हूँ बट मित्राज को पता है कैसे घर के दरवाजे ओपन करने हैं। सो मित्रा जाया और उसने मुझे उठाया, बट मैंने बोला यार मेरी ताकत, मेरा शरीर खुद खड़ा ही नहीं हो रहा था भाई, मेरी आंखें काम करें। मैं उसको देख के बोला आज नहीं आऊँगा, तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो अकेले जिम में गया और उसने बाइसेप लगाया और मैं आज पूरे दिन जिम ही नहीं गया। और जिम नहीं गया तो गाइस मेरी ऐसी हालत हो चुकी कि मेरे अंदर कुछ बाकी है, मेरे दिन में ना कुछ बाकी रह रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी मेरे व्लॉग में मैं जिम जाऊंगा हर रोज, तो हर रोज मैं कौन सी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ और कौन कौन से रिपीटेशन लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको भी कुछ करना हो तो आप थोड़ा आप समझ सको थोड़ा। तो कोई नहीं, चलो अभी आज के व्लॉग को मैं करता हूँ एंड, क्योंकि आज मैं जिम भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी कल से थोड़ा रेगुलर करने की मैं ट्राई करूंगा जिम में व्लॉग शूट करने का। तो चलो गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर अभी इस व्लॉग को जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने ज्यादा हो सके इस व्लॉग को शेयर कर देना। तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय सियाराम।